ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की कोशिश नाकाम साबित हुई। ऐसे में ओवैसी अब उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार। उत्तर प्रदेश की रण में अखिलेश और कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए ओवैसी मैदान में कूद चुके हैं। उन 25 सीटों को सेलेक्ट कर चुके हैं जहां वो करीब करीब सभी मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाएंगे। और इसी चुनौती से बचने के लिए जब बात एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी में समझौते की हुई तो डील नहीं हो पाई। अब ओवैसी की पार्टी ने अकेले यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश से गठबंधन नहीं करेंगे ओवैसी, उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगी एआईएमआईएम। यूपी में 25 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। गठबंधन को लेकर एआईएमआईएम ने तस्वीर साफ कर दी है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार केंद्र में सरकार न बनाने दिया जाए, मगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाए और तीसरे बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले प्रधानमंत्री की। तो हम लोग मजबूर हैं और हमने बहुत जद्दोजहद की, बहुत प्रयास किए, उनसे वार्ता करनी चाहिए लाभ, मतलब वो किसी चीज़ पे तैयार नहीं हो रहे। तो हमें जहाँ तक लगता है मजबूरी में आकर के हम ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अब हम भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने प्रत्याशियों के और अपने सीटों के नाम की घोषणा करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।